शिंजो आबे हिंदुस्तान आए और ऑपोजिशन वाले यही कह रहे थे कि मोदी जी को जब फॉरेन जाने का मौका नहीं मिलता तो विदेशियों को हिंदुस्तान बुला लेते हैं, ये क्या कोई बात है। वैसे जापान हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन चलवाने के लिए 88,000 करोड़ भी देगा, वो ये मुफ्त में नहीं दे रहे हैं वो लोग, बल्कि इसके बदले हिंदुस्तान जापानी लोगों को ट्रेन की खिड़की पर दूध का कैन लटकाने और जनरल डिब्बे की इतनी भीड़ में भी बचा बचा कर मूंगफली बेचने की टेक्निक सिखाएगा। मोदी जी ने शिंजो आबे के साथ अहमदाबाद में 8 किलोमीटर का रोड शो भी कर डाला। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे बचपन में जब हमारे घर मेहमान आते थे तो हम उन्हें अपनी छत पर घुमाने ले जाया करते ताकि सारे मोहल्ले वाले देख सके कि हमारे यहां मेहमान आए हैं। वैसे 8 किलोमीटर की रैली में इतनी भीड़ उमड़ी थी जिसे देखकर शिंजो आबे भी यही सोच रहे थे कि जब इनके पास इतना टाइम है कि ये लोग रैली में आ सकते हैं तो इन्हें बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है, टाइम बचा के क्या करें। लेकिन इन सब में फन की बात यही निकलती है कि अगर बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी तो पटरी पर लोटा लेकर खो खो खेलने की प्राचीन परंपरा खत्म हो जाएगी। कांग्रेस की बच्चा पार्टी यानी एनएसयूआई दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में जीत गई। इस चुनाव को जीतने में राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ी मदद करी थी और मदद यही कि नतीजों के टाइम वो यूएस चले गए। कुछ भी हो, एक बात तो साबित हो गई कि दुनिया में चमत्कार होते हैं। बल्कि चमत्कार इसमें यह नहीं था कि कांग्रेस की बच्चा पार्टी यानी एनएसयूआई दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीत गई, चमत्कार यह था कि राहुल गांधी जी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में बोलने गए थे और उनकी पार्टी दिल्ली की यूनिवर्सिटी में जीत गई। लेकिन इन सब में फन की बात यही निकल कर आती है कि इन चुनावों में लेफ्ट की पार्टी यानी AISA से ज्यादा वोट NOTA यानी नोटा को मिले। ठीक भी है, उन्होंने भी हमेशा आजादी ही मांगी है। छोड़ो ना, आजादी ही मांगी है तो वो लोग वोट का क्या करेंगे। सॉरी, ये फोटो दिखा। हाँ ठीक है, थैंक यू भाई। दिल्ली की JNU में छात्र संघ के चुनाव हुए और लेफ्ट पार्टियों के महागठबंधन ने चुनाव जीत लिया, यानी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लेफ्ट को अपनी राइट चॉइस बताया। अच्छी बात ये रही कि इस छात्र संघ चुनाव की चर्चा देश भर में हुई, यानी एक बात साफ है, नारों से फायदा तो हुआ है। वहीं कुछ लोगों ने ABVP की हार को सीधे सीधे अमित शाह की हार बताना शुरू कर दिया, जबकि उन लोगों को यह पता नहीं है कि अमित शाह ही थे जिन्होंने बिहार में हारने के बावजूद सरकार बना ली। अगर वो ABVP का साथ देते, अमित शाह जी ABVP का साथ देते, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी ABVP चुनाव जीत सकती थी। बात कर खैर, लेफ्ट पार्टियों की तरफ से कन्हैया स्टार प्रचारक थे। भाई क्यों कंफ्यूज होते हो, हार्दिक पटेल है, गलत फोटो लगाई है। कन्हैया की अरे ये कन्हैया नहीं, इनके पापा के जो पैर छू रहे थे वो। यार फिर से गलत लगा रहे हो तुम लोग। मतलब इस देश में जब लेफ्ट की बात होगी तो क्या कुछ भी राइट नहीं होगा क्या? मैं कन्हैया की बात कर रहा हूं, आजादी वाले। ये सही फोटो लगाई तुम, शाबाश। हाँ मैं ये कह रहा था, जो लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़े कुल 4,600 वोटों के बाद लेफ्ट की जीत को लेफ्ट का उदय बता रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि 2014 में भले BJP देश भर में जीती लेकिन उसके वोट परसेंट बहुत कम थे, बहुत कम वोट परसेंट। इन सब में फन की बात यही निकलती है कि JNU में लेफ्ट जीत गई। इस मुल्क में जितने कम लेफ्ट वाले बचे हैं अब JNU को यूनिवर्सिटी कम और म्यूजियम ज्यादा घोषित कर देना चाहिए। थैंक यू। अब बात दिल्ली मेट्रो की। दिल्ली मेट्रो में लोग उस वक्त बहुत चक्के रह गए जब एक बंदर मेट्रो के अंदर बिना टोकन लिए आराम से टहलता हुआ दिखाई दिया। आपके व्हाट्सएप पर भी वो वीडियो आई होगी। लोग सोचते रहे कि मेट्रो में कब से TT टिकट चेक करने लगा भाई, कब से। लेकिन कुछ लोगों ने इसे देखकर मेट्रो डिपार्टमेंट पर लापरवाही का आरोप लगाया। लापरवाही? वैसे ये वही लोग हैं जो लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, ये हर हाल में दुखी रहते हैं। अगर बंदर देखने पैसे खर्च करके चिड़ियाघर जाते हैं और वहां बंदर नहीं मिलता तो चिड़ियाघर वालों पर लापरवाही का आरोप लगाते हैं, वरना फ्री में मिल रहा है तो मेट्रो पर लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि बंदर आखिर मेट्रो में क्या करने आया था, क्योंकि लोगों के चश्मे उतारकर भागने वाला उसका काम तो मेट्रो के बाहर भी अच्छा चल ही रहा था। हो सकता है बंदर से किसी ने कह दिया हो कि हम तो कुछ भी नहीं है, इन बंदर जैसी हरकतें करते देखना है तो कभी राजीव चौक मेट्रो स्टेशन आओ। लेकिन इन सब फन की बात यही निकलती है कि ये जानकर अच्छा लग रहा है बंदर के अंदर इंसानियत है, क्योंकि बंदर मेट्रो के अंदर चलता रहा लेकिन किसी लेडीज या बुजुर्गों वाली सीट पर बैठा नहीं, जैसे कुछ लोग मुंह उठा के बैठ जाते हैं और जैसे कोई बुजुर्ग आता है
सोने की एक्टिंग। वैसे बंदर बुजुर्गों की सीट पे बैठ सकता था क्योंकि हमारे पूर्वज तो बंदर ही थे, तो एक सीट तो बनती है। ओके थैंक यू। तो बिना टिकट बंदर के बाद अब बिना टिकट कबूतर की बारी। पिछले हफ्ते तमिलनाडु से भी एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर आपको पता लगेगा कि इंसानियत और नौकरी में से कोई एक चीज बचानी हो तो इंसान नौकरी बचाता है, इंसानियत। मतलब तमिलनाडु परिवहन के अधिकारियों ने एक बस कंडक्टर पर जुर्माना लगा दिया क्योंकि उस बस कंडक्टर ने अपनी बस में एक कबूतर को बिना टिकट सफर करने का मौका, यानी इस लकी कबूतर का लक कंडक्टर के लिए बैड लक बन। कंडक्टर ने पता नहीं ऐसा किस लालच में किया, भाई कबूतर है वो तो अंदर दी टेबल भी नहीं कुछ दे सकता ना भाई, अंडर दी टेबल कहां दे सकता। लेकिन इससे एक और बात सामने आई है कि अब तक बिल्लियों की लड़ाई में बंदर की जीत होती थी, इस बार इंसानों की लड़ाई में कबूतर की जीत हुई है। कबूतर चलिए अब बात राम जी की करते हैं। जयराम जी, मैं राम जी की मतलब राम जेठमलानी जी की बात कर करेक्ट। राम जेठमलानी जी 95 साल की उम्र में सन्यासी बनने वाले पहले हिंदुस्तानी बन गए हैं। एक मिनट होने दो, कुछ भी सोचते हो, आई मीन उन्होंने वकालत से सन्यास लेने का फैसला जो किया है, लेकिन फिर भी अपने करियर में वो डॉन हाजी मस्तान से लेकर अमित शाह तक का केस लड़ चुके हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के केस ने उन्हें वकालत छोड़ने पर मजबूर कर ही दिया। ऐसे जेठमलानी जी के बारे में कहा जाता है कि 17 साल की उम्र में वकालत पास करके प्रैक्टिस शुरू कर दी थी उन्होंने। 17 साल की उम्र, यंग लड़के देख रहे हैं आजकल के लड़के तो इतनी छोटी उम्र में बस फेसबुक पर फेक आईडी बनाते हैं एंजल प्रिया के नाम से और लड़कों से अपना फोन रिचार्ज करवाते हैं। अरे पिंटू हम तुमको समझते हैं बुद्धि। वैसे इतनी ज्यादा उम्र तक काम पर ध्यान देने वाले राम जेठमलानी जी के अलावा सिर्फ अमित जी। वैसे भले जेठमलानी जी 95 साल की उम्र के हो गए हों और रिटायर हो गए हों, वो अपनी नई पारी भी शुरू कर सकते हैं जैसे ही बीजेपी से उनका 6 साल का निष्कासन खत्म होगा। वैसे कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने वकालत इसलिए भी छोड़ दी क्योंकि शायद बाबा राम रहीम ने उनसे कहा हो कि हो सके तो एक मेरा भी केस देख लो वकील साहब, लास्ट केस। लेकिन इन सब में फन की बात यही निकलती है कि राम जेठमलानी जी को संन्यास लेते देख आडवाणी जी टेंशन में आ गए कि अब उन पर भी दबाव ना बढ़ने लगे संन्यास लेते। ओके थैंक यू यार, ये हाथ में तुझे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप क्या देख रहे हो? अच्छा ये गमछा आ गया है, जूता जा चुका है, क्यों अभी बताता हूं। हमारे यहां कोई पुलिस थाने का एक चक्कर लगाया है तो उसके खानदान की नाक कट जाती है। उस परिवार को लोग हमेशा शक की निगाह से देखते। गांव में कोई बाप अपनी बेटी उस घर में नहीं ब्याहता था, लेकिन कहा जाता है ना हर टैलेंट की कहीं ना कहीं कदर तो होती है। जैसे नकल करने वालों की कदर है बॉलीवुड में और स्पीच देने वालों की कदर है पॉलिटिक्स में, उसी तरह चोरी करने, डाके डालने, जेल जाने और मुकदमे कराने की कदर यूपी के एक गांव में एक कम्युनिटी में है। यानी वहां के लोगों में शादियां तब होती हैं जब उन पर ढेर सारे मुकदमे होते हैं। यानी लोग छाती चौड़ी करके सीना ठोक के कहते हैं कि भाई साहब हम तो खानदानी पेशा समझे, हमारे दादे परदादे चोरी करते थे, आज देखो हमारे बच्चे लुटेरे बन गए। यानी इनके यहां शादी भी ऐसे होती है कि सपोज चोरी में कोई पकड़ा गया तो जेल जाने के बाद जब वो जेल से वापस आते थे तब शादी करवा दी जाती थी। डकैती में कोई पकड़ा गया तो जेल में जाकर ही अंगूठी एक्सचेंज करवा दी जाती। अगर हाफ मर्डर में कोई पकड़ा गया तो जिस चाकू से हाफ मर्डर की कोशिश हुई है उसमें जो खून लगा है उसी से मांग भरवा दिया जाता था। और पुलिस जिस गाड़ी से पकड़ने आई है, आजा कुछ नहीं लेके आओ, पुलिस जिस गाड़ी से पकड़ने आई है उसी गाड़ी में आग लगा के उसी के साथ फेरे ले लिए जाते थे। कैसे? सात फेरों से बना जन्मों का ये बंधन, जा रही हूँ छोड़ के बाबुल का ये दामन। पहली दुल्हन देखी होगी आपने जो मोजे पहन के फेरे ले रही है। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, तुमसे चुनरी संभालनी घर कैसे संभालूंगी, याद है बाबा बस हो गया ना, आप जाओ नेक्स्ट दिखाते हैं। प्रैक्टिस करके आएगा ना तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है निकल जा, आप निकलो। ठीक है एक सेकेंड। खैर इसी मुद्दे पर हमने बनाया है एक गाना कि वहां की दुल्हन को यानी बेबी को केस पसंद है, आप जरा सुनिए उसके बाद आता हूं। ए चुनरी इधर आओ। मुझसे पहले गाली बोले हो जुबान का घटिया, चक्कू छुरी तेज चला
से ये बोली लड़का ऐसा नाम कर दो सिलवा दो घाघरा चोली क्योंकि बेबी को केस पसंद है बेबी को केस पसंद है जब वो ताड़े मुझको उसका फेस पसंद है बेबी को केस पसंद है ट्विटर पर जरूर बताना फिलहाल भैया आना जरा इसको स्त्री करा के लौटा आना नेक्स्ट चलिए अब आ रही है हमारे उस सेगमेंट की जिसके फैन खुद गोविंदा जी भी हैं बताइए सर हमारे इस सेगमेंट का नाम क्या है लो 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 चलो फैन और आज के हमारे शो में खास मेहमान वो हैं जिन्हें आप सबने कभी ना कभी इस्तेमाल जरूर किया होगा जी हाँ क्योंकि आज के हमारे मेहमान है पुराना कीपैड वाला फोन यस स्वागत करिए इनका जोरदार तालियों से भैया आज इधर का दौरा कैसे कर लिया कीपैड वाले फोन तुम्हारे लिए कर रहा हूँ वैसे तो मेरे को कोई शौक नहीं है समझे हमारे लिए मैं समझा नहीं अरे वो लगवाए ना फिर से जो बार बार लॉन्च होता रहता है बड़ा आया बार बार लॉन्च राहुल जी राहुल बाबा नहीं मैं आईफोन की बात कर रहा हूँ आईफोन की अच्छा सॉरी तो अच्छा फोन है शानदार फोन है क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा भाई वो तो सबको शानदार लगता है और मेरे को सब भूल गए कांटे जड़े ना मेरे में कांटे एक सेकेंड तेरे को याद रखने वाला भी क्या है मतलब तेरे में क्या है अच्छा याद रखने वाला भाई अच्छा बेटा भूल गए वो दिन जब मेरे में एक बार एस लिखने के लिए चार बार सेवन का बटन दबाया करते थे भूल गए जब मेरे में घंटों सांप वाला गेम खेला करते थे तो क्या होता भाई ये मतलब इसमें याद रखने वाली कौन सी बात है क्या है इसमें और ये भी भूल गए कि कैसे मेरे पे वो ₹6 वाली रिंगटोन डाउनलोड करके अपने दोस्तों को भेजा करते थे तुम भाई पहले ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे हमारे पास इसलिए करते थे अब तुम किस काम के हो हा? किस काम के हो पूछता है अब किस काम का हूँ अरे आज भी लोग मेरी मदद से अपना घर चला रहे हैं घर वो कैसे जब उनके घर में कोई चीज खराब होती है ना तो मेरे से ही ठोंक पीट कर सही करते हो ये बात तो है मजबूत तो तुम बहुत हो भाई बहुत हाँ इतना मजबूत हूँ कि कभी कभी कश्मीर के पत्थरबाज पत्थर छोड़कर मुझे ही फेंक देते हैं एक दूसरे पर काबिलियत है तुम्हारी मजबूती है हटाओ इसको अरे मैं तो इतना मजबूत था कि थॉर ने मुझे अपने हथौड़े में इस्तेमाल कर लिया था और कुछ लोग हैं जो मेरी वैल्यू ही नहीं समझते और आईफोन के पीछे भागते हैं आईफोन के पीछे ठंडा ठंडा मेरे भाई इतना गुस्से में क्यों आ रहा है तू आईफोन आया तो इतना फ्रस्ट्रेट होने की क्या जरूरत है तेरे को इतना पर्सनल हो गया तू यार क्यों ना फ्रस्ट्रेट हो जाऊं मैं बता ऐसा क्या है उस फोन में कि सब उसके पीछे पगलाए रहते भाई उसमें होम बटन नहीं है होम बटन क्या मतलब ऐसे फोन का जिसमें एक बटन तक नहीं है मेरे को देख मेरे में 15-15 बटन है और तो और मेरे में टॉर्च भी जलती है टॉर्च यार तू बात नहीं समझ रहा है उस फोन में चार्जर भी नहीं लगाना पड़ता चार्जर वो तो मेरे में भी नहीं लगाना पड़ता बचपन में एक बार चार्ज कर लो तो तब तक चलेगा जब तक तेरे दांत बुड्ढे होकर गिर ना जाएं तेरे को पता है कई बार शहरों में जब लाइट गायब होती है ना तो जनरेटर की जगह मेरे से बिजली ले जाते थे वो थोड़ा ज्यादा हो गया भाई थोड़ा ज्यादा हो गया और चेहरा देखकर खुल जाता है आईफोन तेरा क्या है भाई तेरे में क्या है ऐसा हाँ तब तो तेरी शक्ल देखकर खुलेगा भी नहीं कभी शक्ल भी है तेरी आईफोन लेने वाली अबे रहने दे खत्म कर इंटरव्यू कुछ आखिरी बोलना है तो बोलो भगले यहाँ से बात कर रहा है मैं तो बस ये कहूंगा कि सारा का सारा लोकतंत्र खतरे में है खतरे में एक सेकेंड लोकतंत्र कैसे खतरे में आ गया भाई कैसे देख मैं समझाता हूँ मैं ठहरा बटन वाला फोन बटन ईवीएम में भी होते हैं ईवीएम से ही वोट दिया जाता है और वोट लोकतंत्र का एक हिस्सा है अब बटन ही नहीं रहेगा तो वोट कैसे दोगे यानी बटन वाला फोन अगर नहीं है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है ना आईफोन लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है क्योंकि उसमें बटन नहीं होते अब बता बटन जरूरी है तो लोकतंत्र जरूरी है बता मेरे को वाह 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 इनके लिए जोरदार गालियां बा 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 तालियां ये की तुमने विपक्ष वाली बात जब भी विपक्ष की संख्या कम होती है या ऑलमोस्ट खत्म होती है तब वो लोग अक्सर यही कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और तूने भी वही थैंक यू अब बात ही नहीं करनी मेरे को तेरे से निकल जा जय हिंद खत्म थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स शुक्रिया 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 हाँ हाँ शो को पूरा देखने के लिए
थैंक यू वेरी मच, ये रहा मेरा ट्विटर हैंडल। हमारी तारीफ करना चाहें, तारीफों के पुल बांधना चाहें या लेग पुल करना चाहें, ट्विटर पर बेझिझक लिख सकते हैं। पीछे पीछे मेरी इंस्टा की आईडी आ रही है, उस पर भी पोस्ट करना चाहें, मोस्ट वेलकम। मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, ये मौका मैं आपको देता हूं, क्योंकि जो अपनी तारीफ नहीं करते वो समझदार होते हैं, जो अपनी तारीफ नहीं करते वो समझदार होते हैं। हिंदुस्तान के जो चोर हैं वो होशियार होते हैं। होते होंगे, उनकी होशियारी आपकी नजर किसको मालूम है। थैंक यू वेरी मच, अगले एपिसोड में मैं होशियार सॉरी मैं रौनक फिर से आऊंगा लेकर पन की बात। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, लव यू, बाय बाय एंड जय हिंद।